फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गर्मी के मौसम में तुलसी जी के पौधे को किस तरीके से हरा भरा रखा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे तुलसी जी का पौधा भी खराब होना शुरू हो जाता है। अक्सर पत्तियों की साइज छोटी होने लगती है और पौधे पर मंजरी भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इनको किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से हम इनकी देखभाल कर सकते हैं, तथा गर्मी में ऐसी कौन सी इनको फर्टिलाइज़र दी जा सकती है जिसकी वजह से हमारा पौधा सूखे भी ना और साथ में हरा भरा भी बना रहे, तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, तुलसी जी का पौधा काफ़ी शुभ पौधों में माना गया है, फिर चाहे वो धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा जाए या आयुर्वेद साइंस से जोड़कर देखा जाए, दोनों में ही इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। गर्मी के मौसम में अक्सर तुलसी जी का पौधा खराब हो जाता है, तो चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम गर्मी में तुलसी जी के पौधे की देखभाल कर सकते हैं और अपने तुलसी के पौधे को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपका पौधा ग्रीन नेट के नीचे है या फिर खुले में है तो उसको उठा के आप कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहां पर धूप सीधी ना पौधे के ऊपर पड़ती हो, क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे भी धूप छनके जाती है और तेज़ धूप की वजह से तुलसी का पौधा सूखने लगता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में धूप में रखे हुए तुलसी के पौधों की पत्तियों के रंग उड़ जाते हैं, जिसके कारण इनमें क्लोरोफिल काफ़ी पत्तियों में कम हो जाता है, और जब पत्तियों में क्लोरोफिल कम हो जाता है तो पौधा भोजन अपना ठीक से नहीं बना पाता है, जिसके कारण पत्तियां हमेशा गर्मी के समय पौधे की छोटी हो जाती हैं। तो पहला काम आपको करना है कि अपने पौधे को उठा के धूप वाली जगह से कहीं सेमी शेड एरिया में रख लेना है। तुलसी के पौधे को गर्मी से बचाने के लिए दूसरा काम आपको करना है कि गमले की मिट्टी में कुछ परसेंट आप बालू, रिवर सैंड, जिसको कि कहते हैं, ज़रूर मिला दें। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा होगा कि आप जब इसको डालेंगे तो गमले की मिट्टी में नमी बनी रहेगी, क्योंकि बालू की तासीर होती है कि वो ठंडक को बनाए रखता है। दूसरा फ़ायदा आपको मिलेगा कि बालू को डालने से मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, और जब आप ऊपर से पानी डालेंगे तो सीधा पानी पौधे की जड़ तक पहुँचेगा, जिसकी वजह से जड़ आसानी से पानी को एब्जॉर्ब करके पौधे के हर हिस्से में पहुंचा सकेंगी। पौधे को हरा भरा रखने के लिए तीसरा जो सबसे ज़रूरी काम है, तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको अपने तुलसी के पौधे पर मंजरी निकलती नज़र आए आप तुरंत उसको वहां से हटा दें। अगर आप उस समय मंजरी को नहीं हटाएंगे तो मंजरी बढ़ती जाएगी और पौधे की ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी, साथ ही साथ वो पौधा ओल्ड हो जाएगा और ओल्ड होने की वजह से वो पौधा बहुत जल्दी सूख के ख़राब हो जाएगा। तो उन मंजरियों को आप इधर उधर ना फेंक कर उसी गमले की मिट्टी में डाल दें, जिससे कि जब बरसात का सीज़न आए तो आपको ढेरों नए तुलसी के पौधे मिल जाएँ। चलिए बात कर लेते हैं कि गर्मी के सीज़न में तुलसी के पौधे को हरा भरा रखने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए और किस तरीके से देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में तुलसी जी के पौधे को आप महीने में एक बार थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट खाद ज़रूर दें। वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन की परसेंटेज अच्छी होती है, जिसकी वजह से तुलसी जी का पौधा हरा भरा बना रहेगा। फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट खाद दाने के रूप में होती है और ये जब मिट्टी में मिलाई जाती है तो मिट्टी और भी भुरभुरी हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाती है और वो पौधा स्वस्थ बना रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गर्मी में तुलसी जी के पौधे को हाइड्रेट रखने के लिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर बना के हफ्ते में एक बार दें। तो इसको बनाने के लिए आप एक गिलास साफ पानी ले लें और उसमें आप 4 चम्मच कच्चा दूध मिला लें, और इसमें 1/4 चम्मच आप पिसी हुई हल्दी पाउडर को मिला लें। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में पौधे की मिट्टी में चारों तरफ घुमा के इस पानी को डाल दें। तो फ्रेंड्स, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे में नमी बनी रहेगी और हल्दी की वजह से पौधे की जड़ों में किसी भी तरीके की फंगस नहीं लगेगी, साथ में आपका पौधा हरा भरा भी बना रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे उपायों से और इन फर्टिलाइज़र को देकर गर्मी में आप अपने तुलसी जी के पौधे को बचा सकते हैं, साथ में हरा भरा और घना भी बना सकते हैं।